यहाँ देखिए हमारे लौकी लगी है, बीच बीच में मैंने सब छुपा रखी है क्योंकि ना, अच्छा ठीक है टाइसन भेजे। यह मैंने सारी लौकियाँ ना छुपा दी हैं क्योंकि ना फिर आपको पता कांड हो जाता है गिलहरी का, गिलहरी नहीं छोड़ती है कुछ भी। यहाँ मेरी पालक भी हार्वेस्ट करने वाली है और देखते हैं क्या क्या निकलता है। यहाँ देखिए मेरे बैंगन, यहाँ भी मैं तोड़ ही लूँगी छोटे बड़े सभी बैंगन। पता नहीं कहाँ गया, घुस गया कहीं, तो चलो मैं निकाल लेती हूँ। इनको तोड़ूं या ना तोड़ूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, ज़्यादा ही छोटे हैं ये। देखती हूँ जो बड़े बड़े निकलते हैं वो निकालूंगी, छोटे नहीं निकालूंगी। यहाँ रख देती हूँ मैं, ये भी निकाल ही लेते हैं ना। यहाँ देखिए मच्छर वाली वो जो धुआं फेंकने वाली मशीन होती है ना वो आई है। यहाँ देखिए पत्ते दोबारा से होने लगे ना। ओ बाप रे, नींबू ना बहुत कम रह गया, मैंने बहुत नींबू हुए थे हमारे यहाँ तो मैंने तोड़े हैं सारे नींबू, कुछ पीले हो गए हैं कुछ। यहाँ पत्ते फिर से हो गए, देखिए यहाँ पानी डालने वाला है, आज बारिश नहीं आई तो यहाँ भिंडियाँ भी लगी हैं। देखिए कुछ मैं निकाल के ले गई थी सुबह, थोड़ा थोड़ा मैं ले जाती हूँ निकाल के, फिर इकट्ठी हो जाती है ना फिर मैं बना लेती हूँ इनकी सब्जी। अब नीचे वाली सुबह तोड़ूँगी जब मैं आऊँगी सुबह। यहाँ भी एक ना बैंगन का पौधा है, इस पर अभी कुछ लगा ही नहीं। और ये हमारा जो कपास का पौधा, थोड़ी मिर्ची तोड़ लेते हैं वहाँ से। ये हमारी लौकी की बेल है और ये भी चढ़ रही है ऊपर, इसी में इधर जा रही है वो, वह देखिए वो हिस्सा इधर जहाँ ये लौकी लगी है ना एक, इसी में जा रही है। अगर आप भी मेरी तरह सब्जियाँ टेरेस पे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं,
और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जियां, इनमें कुछ भी मैंने खाद नहीं डाली। जो भी मेरे घर पे सब्जी रहती है, किचन वेस्ट रहता है, मैं सिर्फ वही डालती हूँ। ये देखिए, इसमें मेरा किचन वेस्ट है, इसमें भी मेरा किचन वेस्ट है, ठीक है। और यही मेरी सब्जियां हैं जो वेस्ट हो जाती हैं, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। वो इसी में ना पानी में भर के रखती हूँ इनको गलाने के लिए। तो ये था मेरा फ़िल्टर, हस्बैंड बोलते हैं फ़िल्टर अच्छा नहीं होता घर में। तो ये देखिए, ये जो रहता ना, तो यहाँ से जैसे मैं इसमें पानी भर देती हूँ ना, तो इसी में ये पानी नीचे फिर इससे निकल के आ जाता है। ये देखिए, अभी तो मुझे नहीं निकालना, तो पानी निकल के आ जाता है। यहाँ नीचे नीचे तक पानी है, ऊपर ऊपर तक ये हमारा जो हमने बनाया रखा है किचन वेस्ट का खाद, और यही फर्टिलाइज़र हो जाता है। आजकल क्या है, मौसमियाँ बहुत आ रही हैं, तो उसको भी आप इसी में डाल सकते हैं। और इसके नीचे भी यही कुछ है, ऊपर मिट्टी डाल दी है मैंने और नीचे वो गलती रहती हैं। इसमें जो हमारे यहाँ से पत्ते निकलते हैं ना, सूख जाते हैं, वो पत्ते भी मैं इसी में डाल देती हूँ, ताकि उनसे भी हम खाद तैयार कर सकें। तो यहाँ से मैं ना कुछ अजवाइन के पत्ते ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे डालने पड़ते हैं पराठे वगैरह में। अजय देखिए, कितनी अच्छी खाद, हमारे खाद से हमारे ये सारा तैयार किया हुआ है, जो हमारे ऑर्गेनिक हमारा किचन वेस्ट निकलता है उससे। और ये हमारा पुदीना है, पुदीना भी मैं यहाँ से कई बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो। इतनी सब्जी मेरी घर से निकल गई है, और थोड़े दिनों में हमारी लौकी भी तैयार हो जाएंगी। वहाँ मिर्ची वगैरह लगी रहती है, एक में मिर्ची लगती है। मैं बताऊँ ना, जो ये वाला मेरा प्लांट है ना, इसमें पता नहीं क्यों मिर्ची लगनी बंद हो गई, इसके ऊपर फूल भी नहीं खिल रहे, तो पता नहीं क्यों नहीं लगे। शायद इसमें मक्की लगाई है, मतलब इसका वो जो सारी गुणवत्ता हो गई मिट्टी की ना, तो ये मक्की खींच रही है, मुझे तो लगता है यही बात है, क्योंकि एक उसमें एक ही प्लांट लगाना चाहिए। मैंने तो ज़्यादा लगा दिए, एक मिर्ची का, दो मकई के हो गए साथ साथ में, और पता नहीं साथ साथ में दो हैं जो एक ही है, मुझे नहीं लगता क्या हिसाब किताब है, कि आई डोंट नो, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। कुछ दिनों में हमारी लौकियाँ भी निकल आएंगी, एक दो करके निकल आएंगी। भिंडी तो मैं रोज़ रोज़ की निकाल लेती हूँ, सब्जी बनाने लायक हो जाती हैं। और वो देखिए, जहाँ मैंने कितने सुंदर मेरे ऑरेंज कलर की जी फ्लावर लगे हुए हैं, वो देखिए ना, कितने अच्छे लग रहे हैं ना यहाँ पर। इसमें भी एक दिन वाइट लगा था, तो लगा नहीं, इसमें रेड ही लगता है मेरे ख्याल, पता नहीं रेड है या कोई येलो है, येलो भी लगाया था मैंने। कल को मैं करूँगी अपनी पालक की हार्वेस्टिंग, दाल पालक बनाऊँगी। टाइशु टाइशु, हेलो कर, टाइसन का ऐसे नेल काटने वाला है। टाइसन नेल कटिए, चलो नेल कटिए, देखो पीछे हट गया, नेल नहीं कटवाता ये कमीना।